爹，我一般要到的青菜，我一般不算的。谁干？你说好，多半你不能接受的。你把那好几不能接受的。谁干？और हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो पुट करके हम लोग एक्स का मान निकालते हैं मान लीजिए मान आ गया ए तो यह कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और और समझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और यानी कि इसी पॉइंट को फंक्शन को क्या मिलेगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा अरे डिस्टर्ब होगा तो कौन ने पता था आप क्या करना जरूरी था जीरो फुट किए एक बराबर जी आया तो एक के जो मान आता है वही कहलाता है कौन सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम यानी कि इसी पॉइंट ऑफ फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो यह मान हमेशा रियल नंबर आना चाहिए क्या आना चाहिए हाँ यह रियल नंबर होता है अगर मान लीजिए रियल नंबर नहीं आया काल्पनिक राशि आ गया ठीक है चाहे डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं किया हम फाइंड आ गया तो हम कह देंगे नहीं तो मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं होगा मैक्सिमम मिनिमम खराब ठीक है और अगर मान मिल गया तो अब हम क्या करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में इसको जांच करेंगे ठीक है अब यहाँ से टेस्ट होगा ए डबल डैश ए ए पर डबल डैश हो जाते हैं मतलब सेकेंड डेरिवेटिव और ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डबल डैश ए पॉजिटिव ठीक है इसका अर्थ है देन वाई है मिनिमम वैल्यू